दोस्तों अगर आप भी धोनी को महान कप्तान मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों टाटा आईपीएल ऐतिहासिक मुकाबले में राजस्थान से बदला लेने उतरी चेन्नई की टीम लगभग गंवा चुकी थी मुकाबला। फिर शिवम दुबे और मोइन अली ने बचाई चेन्नई की लाज। फिर अश्विन ने जादुई गेंदबाजी से पलट कर रख दिया मुकाबला। लेकिन अंतिम ओवर में मोइन अली, जडेजा और धोनी का बल्लेबाजों की हाईलाइट तो बताएंगे वीडियो में अंत तक। लेकिन इसके पहले आप सभी को क्या लगता है कि धोनी और संजू सैमसन में सबसे पहले किसकी टीम फाइनल में पहुंचेगी, कमेंट कर जरूर बताना। चलो अब शुरू करते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने आईपीएल में गुरुवार को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। आरआर के सलामी बल्लेबाज जोस बटलर और जसवाल ने टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। 5 ओवर के अंदर ही बिना विकेट गंवाए 50 रन पूरे कर लिए थे। बटलर और जसवाल के साझेदारी को रविंद्र जडेजा ने तोड़ दिया। जोस बटलर ने 21 गेंदों में 27 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। बटलर के आउट होने के बाद संजू सैमसन और जसवाल ने पारी को संभाला। राजस्थान ने 13 ओवर में एक विकेट खोकर 125 रन बना लिया था। इसके बाद राजस्थान को 14वें ओवर में डबल झटका लगा। टीम को कप्तान संजू सैमसन को देशपांडे ने रन आउट कर दिया। संजू 17 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हुए। संजू के बाद जसवाल भी पवेलियन लौट गए। उन्होंने अपनी पारी में 43 गेंदों में 77 रन बनाए। इस तरह राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाया। दोस्तों अब 203 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स के पावर प्ले में शुरुआत बेहद धीमी थी। दोनों बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, लेकिन स्टार बल्लेबाज ऋतु राज गायकवाड़ ने 29 गेंद में 47 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वो अपनी पारी में 5 चौके और 1 छक्का लगाया। दोस्तों अब चेन्नई सुपर किंग्स ने 4 विकेट खोकर 110 रन बना लिया था। उस समय टीम को जीत के लिए 40 गेंदों में 93 रन चाहिए था। अब ऑलराउंडर मोइन अली 12 गेंदों में 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस तरह राजस्थान ने चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2023 में 37वें मैच में 32 रन से हरा दिया है। जारी सीजन में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने दूसरी बार चेन्नई को हराया है। इससे पहले चेन्नई 3 रन से हरा था। इस जीत के साथ संजू सैमसन की अगुवाई वाली टीम पॉइंट टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है। राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाया। इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम शिवम दुबे की अर्धशतकीय पारी की बदौलत 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 117 रन ही बना सकी। आरआर 8 मैचों में 5 जीत और 3 हार के साथ 10 अंक अर्जित करके तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि चेन्नई इतने ही मैचों में 10 अंकों के साथ शीर्ष से फिसल कर तीसरे पायदान पर आ गई है। गुजरात टाइटंस ने 7 मैचों में 10 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है। इस पर भी अपना कमेंट देना।